अस्सलाम वालेकुम। सब में पहले तो आज ईद का पहला दिन है तो तमाम दोस्तों को ईद मुबारक। ईद की छुट्टियों का फ़ायदा उठाते हुए मैंने सोचा कि हमारी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है उसको लेकर हम आगे चलें। एक वीडियो कल भी मैंने अपलोड करवाई थी और यकीनन आपने देखी होगी, और उसके बाद अब ये जो दूसरी वीडियो है, जैसे जैसे सवाल उठते जा रहे हैं, जो मुझसे सवाल किए जा रहे हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोगों को वो तमाम तर जवाब भी मिलें और उसका रिकॉर्ड रहे, आप उसको देख सकें। आज की वीडियो बहुत अहम है और इसमें मैंने बड़ी मेहनत की है उन स्लाइडों पे ताकि आपको समझा सकूं कौन सी चीज़ किस तरह है। ठीक है जनाब, तो ये वीडियो जो है ये हमारी क्लास टू है और ये जो हमारी ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है, अब हम प्रैक्टिकली पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हैं। हम डेमो पे नहीं हैं, हम रियल मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। तो जब हम ट्रेड कर रहे हैं उस दौरान जो हमारे साथ हमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, अब हम वो डिस्कस कर रहे हैं। हम अपनी पहले वाली ट्रेनिंग जो सेशंस थे उससे हम आगे आ चुके हैं, तो लिहाजा इसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हम कह सकते हैं। अच्छा, आज की जो ये क्लास है, क्लास टू, इसके अंदर मैंने डेटा हैंडलिंग के बारे में बात की है कि सवाल ये उठा था कि जब डेटा आता है तो मार्केट बहुत जॉल्ट करती है, ऊपर नीचे होती है, तो उसको क्या तरीक़ेकार से हम हैंडल कर सकते हैं, किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, क्या तरीक़ा होता है। तो जनाब, सबसे पहले तो इसके जो अहम तरीन चीज़ होती है वो ये होती है कि डेटा के टाइमिंग्स आपको पता होना चाहिए। अगर डेटा फर्स्ट कीजिए 5:30 बजे आ रहा है, कोई एक डेटा है जो 5:30 बजे आ रहा है पाकिस्तानी, तो हम 5 बजे से पहले अपनी ट्रेड से या तो बाहर होते हैं या हम उसके स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स को तब्दील कर लेते हैं। तब्दील किस शक्ल में कि जैसे फ़र्ज कीजिए एक टारगेट था जो $1.50 ऊपर है, ठीक है, अब मुझे तो नहीं पता डेटा क्या आने वाला है, तो मैं ये करूँगा कि अपने टारगेट को छोटा कर लूँगा या कोशिश करूंगा कि अगर मैं ट्रेड में इवन भी हूं, प्रॉफिट एंड लॉस बराबर है मेरा, तो मैं बाहर निकल जाऊंगा और मैं या तो डेटा के बाद ट्रेड करूंगा या अगर डेटा के दौरान ट्रेड करूंगा तो विद द स्ट्रेटजी विच इज़ कॉल्ड प्लान बी पे ट्रेड करूंगा। प्लान बी मैं आगे समझाऊंगा आपको। तो बहरहाल ये तो थोड़ी सी जो तमहीद है इसकी डेटा की उस हवाले से, तो डेटा के टाइमिंग से पहले प्री डेटा स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है। उस स्पेकुलेशन से बचने के लिए हम अपनी जो नॉर्मल ट्रेड्स है उसको वहाँ रोक देते हैं, क्लोज कर लेते हैं, ठीक है, और अगर वो प्रॉफिट में है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें, ठीक है जी, और आप पहले उस ट्रेड को सिक्योर कर लें, ये बहुत ज़रूरी अमल है। अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ, स्लाइड नंबर आप टू कह लें। बहरहाल ये जो है इसमें मैंने आपको डेटा दिखाया, आप देखें ऊपर इसमें सोर्स लिखा हुआ है www.forexfactory.com। अगर इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसानी है कि आप इसको अपने हिसाब से टाइम कर सकते हैं, अपने मुल्क का जो टाइम होता है उसके हिसाब से उसको सेट कर लें और कौन सा डेटा आपको देखना है। तो हम इसमें हाई इम्पैक्ट डेटा जो रेड कलर में इंडिकेट होता है, जो आप यहाँ पर स्लाइड में देख रहे होंगे कि आपको रेड कलर में नज़र आ रहा होगा, और एक ब्राउन कलर में जो होता है मीडियम डेटा होता है, हम इन दो डेटा को सिलेक्ट करते हैं। और जो उसमें इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन होता है उसमें हम यूएस डॉलर को करेंसी सिलेक्शन कहलाता है, तो हम उसमें यूएस डॉलर, यूरो पाउंड और यन, अगर आप यन में ट्रेड करते हैं, वरना इन तीन चीज़ों को हम मेनली फोकस करते हैं। फिर उसमें आपको बताया जाता है कि
कि आप सेल्स का डेटा भी चाहते हैं तो यकीनन सेल्स का डेटा अहम होता है, एम्प्लॉयमेंट डेटा अहम होता है, तो वो जो आपको डेटा अहम लगते हैं आप उन डेटा पे क्लिक कर देते हैं। और उसके बाद ये वेबसाइट जो है आपको आपने जिस जगह पे ट्यून किया है फिर वही डेटा आपको जब भी आप वेबसाइट को खोलेंगे वो आपको दिखाएगी। ठीक है, ये आपके सामने स्लाइड पे इस वक्त मौजूद है जिसमें डेटा आ रहा है। मैंने ये जो डेटा लिया है 14 जून से 21 जून तक का लिया है। ठीक है जी, तो आप 18 जून कह लें क्योंकि 18 जून को फ्राइडे होगा। तो आप इसमें देखेंगे 14 जून को कोई डेटा नहीं है, 15 जून को डेटा है, 16 जून को डेटा है, फिर 17 और 18 को कोई डेटा नहीं है। अब आप देखिए कि इसमें जो 15 जून का डेटा है उसमें कोर डिटेल सेल्स है और रिटेल सेल्स MMM है, और फिर जो वेडनेसडे का है वो FOMC है। अच्छा, ये सब में अहम तरीन डेटा है जो FOMC होती है, FOMC स्टेटमेंट, फेडरल फंड रेट, FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये बहुत अहम डेटा होता है। और आप देखें ये रात को 11:30 बजे आता है, तकरीबन 11:30-12 बजे, तो उसके बाद ज़बरदस्त तरीके की मार्केट मूव करती है और आम तौर पे ये बुध को आता है। और ये बात मैं आपको बताऊं कि ये डेटा इतना अहम होता है कि अगर आप आसान लफ्ज़ों में इसको देखें तो पूरे मंथ में या हफ्ते में जो सब में जॉल्टिंग और अहम डेटा होता है वो ये होता है। तो अब हम इस डेटा का रिकॉर्ड कैसे बनाएंगे वो भी हम आगे सीखेंगे। सब में पहले तो मैंने आपको वो सोर्स बताई, वो वेबसाइट बताई जहाँ पे ये डेटा होता है। उसके बाद अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड में देखें, मैंने एक एक्सेल फाइल बनाई है और इस एक्सेल फाइल को मैंने बताया है कि हम इसको कैसे अपडेट करेंगे डेटा रिलीज होने के बाद। अब आप देखें कि 14 जून को मैंने खाली छोड़ा है क्योंकि मंडे को कोई डेटा नहीं था। उसके बाद फिर हम जो है 15 जून में कोर रिटेल और रिटेल सेल्स को हमने रखा है। तो कोर रिटेल और रिटेल सेल्स को अब जो डेटा हमें लगेगा कि कंपैरेटिवली मीडियम है, जो वेबसाइट मीडियम और हाई इंपैक्ट बता रही है वो तो अलग बात है, मगर यहाँ पर अब हम अपना हाई मीडियम लो, जो लो हाई और मीडियम हम अपना बनाएंगे। वो किस तरह बनाएंगे, वो इस तरह बनाएंगे, आप इसके कॉलम पर तवज्जो दीजिए। जो कॉलम लिखे हुए हैं उसमें एक डेटा है, डेटा उसमें डेटा का नाम आ गया। उसके बाद मैंने रिमार्क्स का कॉलम खाली छोड़ा है जिसमें हम जो भी हमारी फाइंडिंग हो हम लिख सकते हैं कि क्या हुआ कैसे हुआ। उसके बाद फॉर के अंदर आप करेंसी का नाम लिखेंगे कि ये डेटा USD के लिए है, यूरो के लिए है, पाउंड के लिए। उसके बाद इम्पैक्ट, अब ये इम्पैक्ट कौन सा इम्पैक्ट है, इस इम्पैक्ट को लेवल आप देंगे, आप कहेंगे ये हाई है, ये मीडियम है, ये लो है। ठीक है ना, तो इम्पैक्ट आप देंगे कि इसमें लिखा है इम्पैक्ट ऑन डॉलर, ठीक है ना, तो आप इम्पैक्ट ऑन करेंसी कह लें या इम्पैक्ट ऑन डॉलर कह लें, मर्जी आपकी। उसके बाद फिर एक कॉलम है मूव, ठीक है, अब मूव को कहाँ से लेंगे, जिस वक्त डेटा आया उस वक्त मार्केट कहाँ थी। लेट सपोज डेटा है क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री डेटा और क्रूड ऑयल $65.30 पे खड़ा हुआ है, तो हमने क्या किया, इन्वेंट्री आने के बाद वो कहाँ गया, इन्वेंट्री आने के बाद वो 67 पे चला गया। ठीक है जी, तो हमने कहा $1.70 की मूव ली इन्वेंट्री का डेटा आने के बाद। ठीक है, उसके बाद अगला कॉलम है वॉलीटैलिटी का। वॉलीटैलिटी में हम बताएंगे कि 65.30 पे क्रूड मौजूद था, जब डेटा आया तो क्या वो नीचे गया और ऊपर गया, ऐसा हो सकता है और होता है 90% ऐसा होता है, कि ऐसा नहीं होता कि सीधा ऊपर जाए या सीधा नीचे जाए, वो पहले ऐसे ऐसे होता है। अगर वो ऐसे ऐसे होता है तो इसका जो उस डेटा की वॉलीटैलिटी के टाइम वो तकरीबन आधे घंटे से एक घंटे का जो टाइम है उसमें लो और हाई क्या बना वो हम यहाँ पर लिखेंगे। वॉलीटैलिटी में हमने हाई लिखा, फिर स्लैश किया, फिर लो लिख दिया। उसके बाद हमारे पास अगला कॉलम है फोरकास्ट का। फोरकास्ट क्या थी डेटा की, हर डेटा की आम तौर पे फोरकास्ट होती है
कि अगर इन्वेंट्री है तो जनाब इतने बैरल इन्वेंट्री की फोरकास्ट है, तो वो पहले से हमें पता होती है डेटा आने से पहले, इसी साइट पर जो आपको अभी मैं दिखा रहा था वहाँ पर ये मौजूद होती है। तो आप फोरकास्ट में फोरकास्ट लिख देंगे क्या फोरकास्ट है। अब जब डेटा रिलीज़ होता है तो आप रिलीज़ होने के बाद फुर्सत से पहले तो आप ट्रेड पर तवज्जो देंगे, उसके बाद क्लोज करने से पहले अपनी ट्रेडिंग अपनी इस एक्सेल फाइल में एक्चुअल वाले कॉलम में उस डेटा को नोट कर लें। ठीक है, अब क्या क्या हो गया, आपके पास फोरकास्ट मौजूद थी, एक्चुअल डेटा आपने लिख दिया, तो डिफरेंस ऑफ द डेटा नज़र आ गया हमको कि भाई फोरकास्ट जो थी वो 2000 बैरल थी, डेटा आ गया 3000 बैरल। ठीक है, एक्चुअल डेटा 3000 बैरल, तो क्या मतलब हुआ, 1000 बैरल ज़्यादा आ गया। 1000 बैरल का अगर डेटा ज़्यादा है, इन्वेंट्री 1000 बैरल ज़्यादा है, तो क्रूड की सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो क्रूड नीचे जाएगा। ठीक है ना, अच्छा तो हुआ क्या दरअसल, अब वो कहाँ वॉलेटिलिटी और मूव में नज़र आ जाएगा। ठीक है, और फिर मज़ीद कोई चीज़ रह गई है तो वो रिमार्क्स में आ जाएगी। इस तरीके से ये वीक आपका पूरा हो गया। अब उसके बाद इसी को, ये जो मैंने पूरी एक्सेल की जो ये एक वीक की कॉलम्स बनाए हैं, उनको आप कॉपी करें और बराबर में पेस्ट कर लें अगले हफ्ते के लिए। अब आप नेक्स्ट वीक में चले जाएं, फिर नेक्स्ट वीक का डेटा लिख लें। इस तरीके से जब आप डेटा लिखते हुए जाएंगे, बराबर में लिख लें या उसके नीचे लिख लें, इस तरह क्या होगा, डेटा आपके पास जमा होना शुरू हो जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए समझ लें कि आपका दिल ये चाहता है कि यार आज FOMC आ रही है, तो पिछली जो FOMC आई उसमें डॉलर में कितना फ़र्क पड़ा, FOMC में फेडरल रेट क्या आया, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या आई, और वॉलेटिलिटी क्या रही, कैसी बड़ी मूव बनी। अब आपको ये देखना है तो आप इस एक्सेल फाइल पे जाएंगे और आप जाके FOMC को देखेंगे तो आपको FOMC की मूव्स नज़र आ जाएंगी। इस तरीके से आपके पास आपका ज़ाती एक्सपीरियंस इन रिटर्न मौजूद होगा। अब आगे जब डेटा आएगा तो आपके लिए बहुत आसान होगा। आपको इस वक्त ऐसा लग रहा होगा ये बहुत बड़ा काम है, ये कोई बड़ा काम नहीं है, डेटा एंटर करना सिर्फ आधे मिनट का काम है, ये एक बार बनाना है वो वीकेंड पे बन जाएगी, बल्कि ऑलमोस्ट मैंने बना दिया है, आप इसको ऐसे ही देख लें। ठीक है जी, अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। इसमें मैंने दो चीज़ें दिखाई हैं, एक तो डेटा की राइड कैसी होती है वो दिखाने की कोशिश की है, नंबर दो मैंने बताया है कि जब डेटा आता है तो आम तौर पे किस शक्ल की कैंडल्स बनती हैं। जब डेटा आता है तो हमें हाई वेव कैंडल्स देखने को मिलती हैं। हाई वेव कैंडल मतलब जिनका बॉडी छोटी होती है और उसकी जो लो की जो वेव होती है और हाई की जो वेव होती है वो लंबी होती है, बड़ी बड़ी होती हैं। बॉडी आमतौर पे छोटी हो जाती है, ये वेव्स बड़ी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है कि मार्केट का बैंड या वॉलेटिलिटी बड़ी हो जाती है, नीचे जाती है मार्केट, ऊपर जाती है और फिर जाके सेटल होती है। सेटल कब होती है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा पे, क्योंकि जब कोई डेटा आता है। अच्छा, ये बात स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रेड करते हैं उनके लिए भी समझने की है कि जब डेटा आता है तो डेटा को हर कोई अपने हिसाब से समझता है और रिएक्ट करता है, उस रिएक्शन के नतीजे में वॉलेटिलिटी पैदा होती है। उसके बाद जब जो प्रॉपर फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं या प्रॉपर मार्केट को समझने वाले होते हैं, वो उसको इंटरप्रेट करते हैं कि भाई ये डेटा कैसा आया है, अच्छा है बुरा है, ये इंटरप्रिटेशन जो है बाहर की मार्केट में विद इन नो टाइम आना शुरू हो जाती है। डेटा रिलीज़ हुआ उसके दो मिनट के अंदर आपको मुख्तलिफ एनालिस्ट की रिपोर्ट्स मिलना शुरू हो जाती है। तो जब वो मिलना शुरू हो जाती हैं, वो इंटरप्रिटेशन जैसे जैसे ट्रेडर के पास आती जाती है, आपकी मार्केट थमना शुरू होती है, जो वॉलेटिलिटी बनी थी वो अब कम होना शुरू होती है। ठीक है जी, तो बहरहाल ये डेटा आने से आधा घंटा पहले और डेटा आने के आधा पौन घंटे तक ये कैफियत जारी रहती है। तो ये कैफियत कैसी होती है वो इस स्लाइड में दिखाई गई है कि एकदम ऊपर से नीचे, एकदम नीचे से ऊपर, और कैंडल्स की शक्ल कैसी होंगी वो भी बता दिया मैंने आपको।
और अभी आगे मैं इंशाल्लाह आपको ये बताऊंगा कि इस डेटा के टाइमिंग्स में भी ट्रेड की जाती है, जिसको मैंने प्लान बी का नाम दिया हुआ है। ये हमारी स्ट्रेटजी पिछले कई सालों से हम इस्तेमाल कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब है, आप लोगों को भी सिखाएंगे। अच्छा जनाब, अब चलते हैं हम अपनी ये हमारी जो डेटा राइट के बाद वाली स्लाइड है, चौथी स्लाइड। इसमें देखिए एक वाइट कलर का चार्ट है और एक ब्लैक कलर का चार्ट है। आप ज़रा देखिए कि आपको एक रेड कैंडल नज़र आ रही है, रेड कैंडल की बॉडी देखिए और उसकी वेव देखिए। डेटा आया, मार्केट पहले ऊपर गई, उसके बाद नीचे गई और बहुत नीचे गई और फिर ज़बरदस्त किस्म की रिकवरी मिली और फिर बंद हो गई। ये कैंडल आपको इस तरह की 15 मिनट से 1 आवर चार्ट तक में नज़र आ सकती है, उसके ऊपर भी कभी नज़र आती है अगर बड़ी वेव्स हो या बड़ी वॉलीटैलिटी हो। मगर फिल वक्त जिस वक्त डेटा आता है, हमारी कोशिश होती है 1 आवर और 15 मिनट चार्ट में हम देखें और उसको समझें। अब जनाब वो ऊपर गई, फिर वहाँ से ज़बरदस्त तरीके से नीचे गई, फिर रिकवर हुई, फिर उसकी जो अगली कैंडल है आप देखिए, वो फिर ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई और फिर बीच में बंद हो गई। फिर उसके बाद तीसरी कैंडल है जिसने स्टेबल किस्म की मूव लेने की कोशिश की ऊपर की जानिब, और उसके बाद फिर वो मुतवाजन होती चली गई। अब ज़रा आप सारे चार्ट को मिला के देखिए, जब आप मिला के देखेंगे तो आप महसूस करेंगे डेटा आने से पहले जहाँ पे मार्केट थी, डेटा आने के 2-4 घंटे के बाद मार्केट वहीं पे है। व्हाट डज इट मीन? द इम्पैक्ट ऑफ द डेटा वॉज न्यूट्रल, परफेक्टली न्यूट्रल। मैंने ब्लैक चार्ट में भी यही चीज़ दिखाने की कोशिश की है, जब डेटा आया तो उस पर जो डेटा आने पे जो हमारी हड़बोंग होती है ट्रेडर्स की, अच्छा आ गया, बुरा आ गया, रिजल्ट ख़राब आ गया, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, ये एक ट्रेडर की इंटरप्रिटेशन होती है, जो उसकी ज़ाती सोच होती है, उस चीज़ को मार्केट इस तरह रिफ्लेक्ट करती है ऐसे ऐसे करके। और जब डेटा समझ आता है तो फिर मार्केट स्टेबल हो जाती है, और डेटा आने के 1-1.5 घंटे के बाद मार्केट प्योरली डेटा को फॉलो कर रही होती है। डेटा न्यूट्रल है तो मार्केट वहीं चल रही है, डेटा पॉजिटिव है तो मार्केट ऊपर चली गई, डेटा नेगेटिव है तो मार्केट नीचे चली गई। अब चलते हैं हम अपनी अगली कैंडल, अगली स्लाइड की तरफ, जो मेरा ख्याल है 5वीं स्लाइड है। अब आप इसमें देखें, इसमें डेटा आता है, मार्केट नीचे जाती है ज़बरदस्त तरीके से, नीचे जाने के बाद फिर वापस ऊपर जाती है और मुतवातर ऊपर चली जाती है, परफेक्ट पॉजिटिव डेटा की ये निशानी है। उसके बाद अगली स्लाइड की तरफ चलिए। अब अगली स्लाइड में मैंने एक वाइट कलर का छोटा सा चार्ट दिखाया है आपको, जिसमें मैंने आपको बताया कि डेटा आता है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है और ज़्यादा ऊपर नहीं जाती, उसके बाद फिर मार्केट नीचे जाती है, जो नेगेटिव डेटा की अलामत है। क्योंकि पहली जो 3 कैंडलें हैं उसमें हाई वेव भी नज़र आ रही है आपको, तो वॉलीटाइलिटी रही, मगर जीत बियर्स की हुई क्योंकि डेटा नेगेटिव था, तो उसके बाद मुतवाजन तरीके से वो नीचे उतरना मार्केट शुरू हो गई। अब आप ब्लैक चार्ट को देखिए, ब्लैक चार्ट में मैंने 2 जगह पे आपको वॉलीटाइलिटी दिखाई है। अगर आप उस वॉलीटाइलिटी को देख रहे हैं तो आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा कि डेटा आने से मार्केट, ये 5 मिनट का चार्ट है, कि मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद ज़बरदस्त किस्म से वॉलीटाइल होकर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर एक जगह मूव करती है और फिर एकदम नीचे जाती है, तो ये भी ऐसा भी होता है। तो इसके लिए हमको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है कि डेटा क्या आ रहा है, उस डेटा को देखना, उसको अपने तौर पे समझने की कोशिश करना और डेटा को हैंडल करना, कि चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या न्यूट्रल हो, हम कैसे हैंडल करेंगे। एक तरीका तो मैंने बताया आपको कि आप अपनी नॉर्मल ट्रेड से बाहर निकलेंगे, क्योंकि जिस वक्त डेटा आएगा जो आपके रेगुलर लेवल्स हैं वो जो है इग्नोर होंगे बिकॉज ऑफ द वॉलीटैलिटी, तो हम ऐसे में किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहते, हम बाहर निकलेंगे और हम डेटा जब स्टेबल होगा फिर नई ट्रेड में एंटर होंगे।
मगर उस दौरान जब डेटा आया होगा, हम एक नई ट्रेड करेंगे जो एक मिनट से लेके 15 मिनट की होगी, दैट इज प्लान बी। अब चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब इस स्लाइड में इलेक्शन का डेटा दिखाया, ये इंडिया का है, प्री इलेक्शन, ड्यूरिंग इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन, ये भी एक डेटा है, एक फंडामेंटल हैपनिंग है कि मार्केटें किस तरह रिएक्ट करती हैं कि जब इलेक्शन से पहले जो सर्वे आ रहे होते हैं, बातें हो रही होती हैं, फिर इलेक्शन के दौरान जो अप एंड डाउन है। आप ज़रा तवज्जो दीजिएगा कि जो ड्यूरिंग इलेक्शन है उसमें आपको हाई वेव कैंडल्स नज़र आ रही हैं, और फिर जो पोस्ट इलेक्शन है वो स्टेबल मंदी नज़र आ रही है। तो अगर कोई अच्छी गवर्नमेंट जाती है तो ये हो सकता है, एन मुमकिन है, मगर आम तौर पे रिज़ल्ट अगर बरखिलाफ़ आते हैं जनता के, अवाम की सोच के बरखिलाफ़ आते हैं, तो आम तौर पे मंदी हो सकती है। माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा जनाब, तो ये तो मैंने आपको एक इलेक्शन की मिसाल दी, अब आपको मैं लेके चल रहा हूँ अपनी प्लान बी वाली स्लाइड पे। प्लान बी क्या है? देखिए, प्लान बी वो है कि डेटा की वॉलीटैलिटी का फ़ायदा किस तरह उठाया जाए, डेटा की वॉलीटैलिटी का फ़ायदा किस तरह उठाया जाए। अब इसमें तीन लाइनें लगी हुई हैं, एक ब्लैक, एक ग्रीन और एक रेड। जो ब्लैक लाइन है वो डेटा आने से पहले जहाँ पे मार्केट थी वो बता रही है, ठीक है। अब इसमें जो पहली, अच्छा ये मैंने यूरो यूएसडी का अभी का चार्ट लिया है और 15 मिनट का चार्ट है ये, तो डेटा जिस वक्त आ रहा है उससे पहले देखें एक छोटी ब्लू कैंडल है वो कहाँ क्लोज हुई है, एग्जैक्टली ब्लैक लाइन पे। तो ब्लैक लाइन इज़ द मार्केट प्राइस, ठीक है जी। अब फर्ज कर लें ये FOMC का डेटा है, मार्केट प्राइस अज्यूम कर लेते हैं हम कि 1.2000 है। अब जनाब मैं अपनी उस एक्सेल फाइल में जाता हूँ और मैं FOMC का डेटा जो मेरे पास रिकॉर्ड की शक्ल में बना हुआ है वहाँ देखता हूँ, और देखता हूँ कि यार इसमें ऐसा होता है तो वॉलीटैलिटी जो है इतने पिप्स की होती है, 50 पिप्स ऊपर जा सकता है, 50 पिप्स नीचे जा सकता है, ठीक है। तो अब उसमें मैं जो मेरे पास एक्सेल फाइल है उससे मुझे ये नतीजा अखज करने में आसानी हो गई कि FOMC की वॉलीटैलिटी या मूव कितनी हो सकती है। पहले मैं मूव समझ लेता हूँ, फिर मैं वॉलीटैलिटी को देखता हूँ। अब अगर वॉलीटैलिटी उसकी 50 पिप्स की है, ठीक है जी, 50 पिप्स प्लस 50 पिप्स माइनस, तो मैं क्या करता हूँ, 50 पिप पे एक ग्रीन लाइन लगाता हूँ, सॉरी रेड लाइन लगाता हूँ ऊपर, और नीचे के 50 पिप नीचे जाके जो डेटा से पहले की प्राइस है उससे 50 पिप नीचे जाके ग्रीन लाइन लगाता हूँ। ग्रीन लाइन पे मैं एक लॉन्ग एंट्री की लिमिट प्लेस करता हूँ, और रेड लाइन जो 50 पिप ऊपर लगाई है उस पर मैं एक शॉर्ट की एंट्री प्लेस करता हूँ, और 50 के ऊपर 25 पिप ऊपर मैं एक और शॉर्ट प्लेस करता हूँ, उसके 25 पिप ऊपर एक और लॉट की मैं शॉर्ट प्लेस करता हूँ। इसी तरह पहली ग्रीन लाइन के 25 पिप नीचे एक और लिमिट प्लेस करता हूँ, और उसके नीचे एक और लिमिट प्लेस करता हूँ। तीन लॉन्ग की लिमिट प्लेस कर दी, तीन शॉर्ट की लिमिट प्लेस कर दी। अब मैं तैयार हो जाता हूँ, डेटा आता है, मेरे हाथ में माउस होना चाहिए जिस वक्त डेटा आएगा, क्योंकि ये ट्रेड एक मिनट से लेके 5 से 10 मिनट की होती है बस। कई दफ़ा एक मिनट में अगर आप एग्जिट ले लेते हो और आप सही एग्जिट ले लेते हो तो जो दूसरी लिमिटें लगी हैं उस वक्त तक वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं, और वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं तो आप सेकेंड ट्रेड में आ जाते हो, तो 15 मिनट में आप 3 ट्रेडें करके बाहर निकल सकते हो, ठीक है। इसमें अनफॉर्चुनेटली रिस्क लेवल हाई है, इसमें स्टॉप लॉस हम नहीं लगा रहे। क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि हमने 50 पिप ऊपर शॉर्ट किया है,
स्ट्रेटजी, स्प्लिट स्ट्रेटजी यूज़ की है, ठीक है ना, प्लान बी के अंदर स्प्लिट स्ट्रेटजी भी यूज़ की है। तो जनाब हम क्या करते हैं, जैसे ही डेटा खोलता है माउस लेते हैं और बैठ जाते हैं डेटा। अच्छा, अब यहाँ पर डेटा प्लस आए माइनस आए इसका कोई ताल्लुक नहीं है सर। डेटा कुछ भी आए, नेगेटिव आए, पॉजिटिव आए, न्यूट्रल आए, वॉलेटाइलिटी तो होनी है। सिर्फ फर्क ये पड़ेगा अगर न्यूट्रल है तो एन मुमकिन है वॉलेटाइलिटी कम हो, अगर पॉजिटिव या नेगेटिव है तो वॉलेटाइलिटी बड़ी होगी, ये फर्क पड़ेगा। तो अभी इस 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए मुझे मैटर नहीं करता कि डेटा क्या आया है, तो मैं अभी डेटा को देख भी नहीं रहा, मैंने ये लिमिटें प्लेस कर दी और उसके बाद मैं तैयार हो गया। जैसे ही डेटा रिलीज हुआ मार्केट को देख रहा हूं, मैं डेटा को नहीं देख रहा, मार्केट ऐसे ऊपर गई और जैसे ही मेरी कोई लिमिट हिट हुई, अगर ऊपर गई तो मेरी शॉर्ट हिट हो गई, ठीक है, अगर नीचे गई तो मेरी लॉन्ग हिट हो गई। जो भी मेरी ट्रेड हिट होती है उसको मैं तैयार होता हूं राइट अवे एग्जिट लेने पे। अच्छा, अब देखना यह है कि जिस तरह मैंने कहा कि वो एक ट्रेड आपकी हिट हुई और वो फर्ज करें ऊपर गया, वो शॉर्ट ट्रेड हिट हुई और वो नीचे आने लगा, आपको जहाँ जहाँ तक वो नीचे आ रहा है आप साथ साथ माउस लेके चल रहे हैं और जैसे ही आपको देखा कि वो रुक रहा है आपने फौरन वहाँ पर एग्जिट कर दिया, ट्रेड से बाहर आ गए, अब आप शॉर्ट से बाहर आ चुके हैं, अब वो नीचे चला गया और नीचे चला गया और नीचे जाके आपके लॉन्ग को हिट कर गया, जैसे लॉन्ग को हिट हुआ अब आप लॉन्ग में एंटर हो गए, अब आप देख रहे हैं अगर लॉन्ग को हिट करके और नीचे गया तो आपका एक और लॉन्ग लगा हुआ है 25 पिप नीचे, वो भी हिट हो सकता है, अगर वो हिट नहीं होता उसके करीब जाके वापस आता है फिर ऊपर चलने लगता है, जैसे ऊपर चलने लगता है आप उसके बाद फिर तैयार हैं कि वो जिस तेज़ी से ऊपर जा रहा है उसकी तेज़ी जहाँ कम होती है आपने फिर एग्जिट ले ली। अच्छा, अब आपको जो मैंने चार्ट दिया हुआ है अब ज़रा उसको गौर से देखिए, जिस तरह मैंने बताया ये 15 मिनट का चार्ट है। अब आप इसमें देखें पहली जो रेड कैंडल है वो हाई वेव कैंडल है, उसमें नीचे कहाँ तक गई है और लो फिर उसने कहाँ तक बनाया है, ठीक है ना, लो जो बनाया है। अभी आप एज्यूम कर लें कि ये जो नीचे की ग्रीन लाइन है वो 50 पिप नीचे है और जो ऊपर की रेड लाइन है वो 50 पिप ऊपर है। अब आप ज़रा देखिए उसका जो हाई है वो 50 पिप वाली रेड लाइन के और ऊपर है और जो उसका लो है वो 50 पिप वाली ग्रीन लाइन के और नीचे है। तो व्हाट डज इट मीन कि दोनों लिमिटें हिट हुई आपकी, दोनों लिमिटें हिट हुई। अच्छा, पहली ट्रेड कौन सी हुई, अगर मैं इसको देख रहा हूं तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि इसमें पहली ट्रेड लॉन्ग हुई, लॉन्ग से हम बाहर निकले, ठीक है जी, और एन मुमकिन है कि हम लॉन्ग से बाहर निकले होंगे कहां पर, जनाबे आली बिल्कुल टॉप पे जहां पे शॉर्ट करना था और जब हम लॉन्ग से बाहर निकले वहां पे शॉर्ट हो गया और शॉर्ट हुआ तो ये फिर नीचे आया, अब फिर नीचे आया तो अब आपके ऊपर है। अगर मैं देखूं तो 15 मिनट की बड़ी स्टेबल कैंडल बेयरिश बनी है तो कोई इशू नहीं था अगर वो नीचे आ रहा है। तो इस तरीके से मैंने दो एरो दिखाए, एक ग्रीन और एक रेड, मैं इंडिकेट ये करना चाह रहा हूं कि हमारी लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेड दोनों हो गई। अब आप इसका टाइम फ्रेम देखें, आप ये 15 मिनट का चार्ट है, पहली ट्रेड पहली 15 मिनट के कैंडल पे कमोबेश कंप्लीट हो गई, अगर नहीं आप और ऊपर गए तो दूसरी 15 मिनट की कैंडल उसने ली। तो इस तरह आप समझ लीजिए आधे पौन घंटे के अंदर आपकी दूसरी ट्रेड में आप एंटर हो चुके थे और तकरीबन 45 मिनट में दूसरी ट्रेड भी ख़त्म हो गई। और अब अगर हम समझें तो डेटा इज नेगेटिव फॉर द यूरो यूएसडी ऑब्वियसली, क्योंकि डॉलर ऊपर गया था तो जब डॉलर के लिए डेटा अच्छा हुआ तो यूरो यूएसडी के लिए बुरा हुआ, तो यूरो यूएसडी नीचे चला गया, ठीक है ना। तो ये एक चीज है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि हाउ टू एंटर इन द प्लान बी, इसमें आप इस तरह डेटा की हैंडलिंग करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि डेटा के हवाले से जो सवाल हुआ था वो मैंने बड़ी मुफस्सिल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, उसके बावजूद भी अगर आपका कोई सवाल है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप कर सकते हैं। और जिस तरह मैंने कहा कि मैं ईद की छुट्टियों में हफ्ते तक मैं आपके लिए ओपन हूँ, कल जुमा है, परसों हफ्ता है,
तो इस दौरान भी अगर मेरे पास कोई सवाल आए तो मैं कोशिश करूंगा कि जितनी वीडियोस बना के आप लोगों की तैयारी करा सकूं, कराता रहूं, और जो आपके दीगर मसाइल चल रहे हैं मर्केंटाइल एक्सचेंज के हवाले से हम उनको भी एड्रेस करेंगे। बट यू कैन कैरी ऑन विद योर ट्रेड्स, आप ट्रेड कर सकते हैं, और अगर आपको बेहतर लगे तो आप PMEX में करें, नहीं दिल चाहे तो इसी को डेमो में करें, मगर कीप ऑन ट्रेडिंग ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, आपको समझ में आए आप क्या कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस को देखने का। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें सब्सक्राइब करें, और बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दोस्तों में, अहबाब में इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि मौजूदा सूरत हाल में जिसमें लाइफ पैटर्न चेंज हो गया, लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, हम वर्क फ्रॉम होम प्रोग्राम में किस तरीके से पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करके हम अपने आप को घर बैठे रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश कर सकते हैं। कोशिश करने से काम होता है, पहले हमें सीखने की ज़रूरत है, उसके बाद काम करने की ज़रूरत है। और ट्रेडिंग ऑन लेवल्स और खालिद सैफुद्दीन एंड टीम आपके साथ हर वक्त मौजूद है। हमारी डेली कॉल्स आपको ऑडियो की शक्ल में भी मिलती हैं, PDF की शक्ल में मिलती हैं, फिर उसके बाद हम दिन में बीच में भी आप लोगों को अपडेट करते हैं, और यही सिलसिला हम जारी रखेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश व खुर्रम रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।